बारह माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिश भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। तीन दुदै ते बाहरी कितै ना आवै काम। जल बिन शाप कुमलावती उपजह नाही दाम। हर ना ना मिलिए साजने कत पाइए बिसरा। जित घर हर कंत नाम प्रगटई पाठ नगर से ग्रा। श्रब शिंगार तंबोल रस साण देही सब खा। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जा। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेह चल ताम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेह चल ताम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भरदियां होयां आप सरबत संगत ने बड़े सत्कार प्यार नाल गुरु पातशाह जी दी पावन बाणी दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों श्रवण कीता है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे पातशाह जी दे मुबारक अंक 133 उपर शहीदां दे सिरताज पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दी उचारण कीती हुई मुबारक बाणी राग माज दे विच जो कि तरतीब दे मुताबक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा दूसरा राग है। 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच और ये दूसरा राग माज राग है। पहला राग श्री राग है। इस दूसरे राग माज राग दे विच सतगुरु जी दी उचारण कीती गुरु अर्जन साहिब जी दी पावन बाणी 12 माह आरंभ हुंदी है। 12 माह दा अर्थ है माह कहिंदे ने महीने नूं। 12 दा अर्थ है गिणती दे पक्खों 12। 12 महीनियां दे प्रतीक नूं वरत के सतगुरु धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी उपदेश आरंभ करदे हन। इस बाणी दे कुल 14 पदे ने 14 बंद ने। इस बाणी दे 12 महीनियां दे प्रथाए ने। एक आरंभ विच मुख रूप विच दर्ज है एक समाप्ति उत्ते दर्ज है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे विच 2 12 माह दर्ज ने। ज्यादातर पाठ
आम रूप विच संगत विच क्योंकि धन गुरु अर्जन साहब महाराज दे उचारण किते हुए 12 माह दा हुंदा है माझ राग दे विचों, इस करके इहदी शब्दावली थोड़ा जिहा ज्यादा साडे दिमाग अंदर सुरत अंदर बैठी हुई है, जबान ते चढ़ी हुई है। दूसरा 12 माह धन गुरु नानक महाराज जी दा उचारण किया हुआ राग तुखारी दे विच है जिहड़ा कि मारू राग तो बाद विच आउंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मुबारक अंक 1107 उपर सुभाए मान है, उस बाणी के कुल 17 पदे ने 17 पौड़िया ने, पहलियां 4 मुख बंद के रूप विच हन, अगे 12 महीनिया के नाम उपर प्रतीक वरत के सतगुरु जी उपदेश दिंदे हन, ते फिर अखीर उत्ते समाप्ति उत्ते एक पौड़ी है एक पदा है, इवें उहदे 17 बंद ने इहदे 14 बंद ने। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच 2-12 माह दर्ज ने सुभाए मान ने, और 12 माह बाणी जिहड़ी है एक पुरानी लिखण शैली है काव दे विच, जदों आप संगतां विचों जिहड़े माई भाई गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं आप पढ़दे ने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे अंदर सारी की सारी जिन्नी भी बाणी वह काव रूप विच है, कविता च है, ते काव लिखण दियां वक्रियां वक्रियां तकनीकां ने शैलियां ने, सलोक ये भी कविता दा एक रूप है, पौड़ी काव दी एक रूप है, शंत काव दा एक रूप है, सवैया काव दा एक रूप है, दोहरा काव दा एक रूप है। इसे तरह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे अंदर एक काव दे वख वख नमूने ने तरीके ने किस्मां ने, 12 माह पंजाबी दे अंदर हिंदी दे अंदर होर भी कई किस्मां दीआं भाषावां दे साहित विच रचे गए ने। लिखारी की करदे सन, जिथे एक नायक ते नायिका प्यार दे किस्से रचदे सन, और ओह प्यार दे किस्से रचदिआं होइआं उहनां 12 महीनिआं दे प्रतीक वरत के चेत विसाख जेठ हाड़ सावण भादो असू कत्तक इत्यादिक सारे महीनिया के नाम वरतद होने ने कविता रचनी, और क्योंकि यह 12 महीने जड़े ने यह सूरज के हिसाब नाल ने समति कैलेंडर के मुताबिक, जेड़ी जेड़ी रुत जेड़े जेड़े महीने चाहती प्रतीक वरत के बिंब वरत के ओह जी गल अपने दिल की वेदना उन्होंने बयान करनी कविता दे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी के अंदर भी यह 12 माह कुछ इसे तरतीब नाल लिखा गया। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਕਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵਨਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਘੋੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੰਤ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਕ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
कुदरत दे हिसाब दे नाल कीती है भी जिस ढंग नाल कुदरत दा वरतारा चल रहा है जिस ढंग नाल दिनां दी गिणती समय दी गिणती महीनियां हफ्तियां और सालां दी गिणती करके कैलेंडर बनाए गए मनुख दी सहूलत दे लई हुण जिवें तुहाडे इस मुल्क दे अंदर दुनिया दे समय दे नाल इस मुल्क दा समा सैट करन वास्ते घड़ियां साल विच दो वार अगे पिछे हुंदियां ने दो बार इतों दियां घड़ियां नूं आटोमैटिकली आप अपने आप तुहानूं करना पैंदा है कदे अगे करनी पैंदी है कदे पिछे करनी पैंदी है यह इस करके है भी इस सहूलत है कि दुनिया दे समय दे हिसाब दे नाल इस देश दा बशिंदा जिहड़ा है वह अपना समा जिहड़ा निर्धारित कर सके धरती जिहड़ी है सूरज जिहड़ा है सूरज ते धरती दा जो आपस विच रिलेशन है जो संबंध है इस धरती उत्ते इस टाइम दे उत्ते किते दिन चढ़िया होया किते दुपहर है किते सवेर दा वक्त है क्योंकि सब धरती दे सूरज दे चक्कर दे हिसाब दे नाल चल रहा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी ने यह जेडे बारह महीनिया के प्रतीक वरते ने यह कोई इस करके नहीं वरते भी गुरु साहब किसी दिन ज्यादा पवित्र समझते ने किसी अपवित्र समझते ने सूरज के पुजारी लोग जेडे सन संग्रांद वाले दिन सूरज एक रास तो क्योंकि दूजी रास विच जांदा महीने का आरंभ हुंदा सी देसी महीने का इस करके उस सूरज की पूजा करते सन और उहदे कोलों सुख मंगते सन सुखना सुखते सन पूजा भेटा चढ़ा के मंत्र पढ़ के वो आखदे सन भी साडा ए महीना हे सूरज देवता बहुत सुख दा लंघे क्योंकि अज तू अपनी रास बदल ली है तेरे हिसाब दे नाल अज महीने दा पहला दिन है और असी चाहुंदे आ हे सूर्य देवता साडा ए सारे दा सारा महीना जिहड़ा सुखां नाल भरिया होवे लाभ नाल भरिया होवे फिर हौली हौली इस दिन नाल कई किस्म दे जिहड़े सन होर विचार जुड़ गए भी इस दिन पैसा नहीं खर्चना इस दिन डॉक्टर कोल नहीं जाना इस दिन किसी यात्रा ते नहीं जाना क्योंकि यह दिन बड़ा शुभ है जिस तरह की तुसी शुरुआत करोगे सारा महीना उस तरीके का लंघता जाएगा पर तुसी हैरान होवोगे असी भावें सीधे रूप विच गुरु साहब महाराज ने बड़ी कृपा की साडा ये कुदरत दीयां चीजां नदी पूजा नालों संबंध तुड़वा के गुरु साहब महाराज ने कादर की सिफत विच सानू लाया भी असी एक अकाल की पूजा करन दे सिद्धांत नूं मन्नदे आं। गुरु महाराज ने सानू इन्हां तमाम वहमां भरमां चों कढ लिया कुदरत दी पूजा करन दे विधान तो वखरा सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी मुबारक बाणी एक कादर एक करदे अकाल पुरख नाल जुड़न दी गल करदी है सिद्धांत दिंदी है राह दिंदी है पर फिर भी असी भावें सीधे रूप च सूरज दी पूजा ते नहीं करदे पर इस दिन नाल संग्रांद दे दिन नाल असी कई किस्म दे वहम ते भरम अपने मन अंदर जरूर टिका उही वहम भरम जिस तरह का पहला दिन लंघदा उस तरह के बाकी दिन लंघदे ने जे असी इस दिन पैसा खर्च किया ते बाकी दिन भी पैसा खर्च होएगा जे इस दिन डॉक्टर कोल गए ते सारा महीना बीमार रहांगे जे इस दिन यात्रा ते गए बाकी सारे महीने भी सारा दिन भी महीने के सारे दिन सानू यात्रा पैंदी रहेगी इत्यादक उही भरम जिहड़े ने साडे मना दे अंदर धसे होए ने वसे होए ने जिहड़े सूरज दे पुजारी ने अपने श्रद्धालुआं दे मना अंदर पैदा कीते सन जे असी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं हुण क्योंकि पुजारी इकला मर्द हुंदा सी इस करके उही अपने मुख तों श्रद्धालु कट्ठे हो जांदे ते पुजारी अपने मुख तों महीने दा नाम सुणाउंदा दसदा भी अज आ महीना क्योंकि पुजारी नूं तां रब दे नेड़े मन्निया गया है ना ते पुजारी ने अपने मुख तों अपनी जबान तों महीने दा नां दस्या ते सारिआं नूं उहदा शुकर कीता ते उहनूं भेटा दित्ती उहदे उहदी इवजाने दे विचों भी तूं शुभ कर्म कीता अज सानूं महीने दा नां दस्या साडा दिन चंगा लंघेगा औरत दे मूंह तों महीने दा नाम नहीं सी सुनिया जांदा इह वी भरम सी और इही भरम साडे विच औरत घर दे अंदर गुरबाणी का शब्द पढ़ के सुनाए भी चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद घना ते सानू स्वाद नहीं आउंदा असी चाहुंदे नहीं बंदा होवे जिहड़ा सानू महीने दा नां दसे आप भी पढ़न विच कई सज्जन कई माई भाई आप भी नहीं पढ़दे उहनां दे घर विच गुटका हुंदा पोथी हुंदी है उहनां कोल समा भी हुंदा है उह कहिंदे ने नहीं किसे भाई कोलों सुनना कि ठीक है भी भाई साहब की ड्यूटी है उहने बाणी दा उपदेश सानू सुनाउणा है पर यह भरम भी भाई ग्रंथी ही सुनाए जां मर्द ही सुनाए औरत नहीं सुना सकती यह भरम भी साडा नहीं है यह भरम साडे विच आ गया उथों ही जिवें कि पुजारी दे मूंह तों ही महीने का पहला दिन सुनिया जांदा सी। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਮਨੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਡੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਪਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੈ ਭਾਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਘੜੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ੋਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੋਝਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਆਹ ਘੜੀ ਤੈਥੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਆਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਨੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਭਰਮ ਨੇ ਜੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸ਼ੋਭੇ, ਘੜੀ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਅਸ਼ੁਭ ਭੈੜਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾੜਾ ਕੱਢਦੀ ਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਗਲਤ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,
गुरु महाराज कहिंदे ने भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुले। सतगुरु महाराज कहिंदे ने सारे संसार दा ओ रचनहार काल पुरख आप पूरा है और उन्हें जो समय निर्धारित किए वो भी पूरे ने, उहदे च कोई कमी कोई कान नहीं है, कोई भुलेखा नहीं है। फर्क केवल इन्ना है मनुख ने अपनिया जादूगरिया दे नाल अपनिया कार शतानिया दे नाल कादर नूं भी एक पासे ते उन्हों सिर नवाया ते दूजे पासे उन्हों गलत साबित करन लई भी पूरा टेल ला छड्डिया। वो साडी हरकत साडा विहार जिहड़ा जबानों असीं कहिंदे आ रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा मुकम्मल है, बड़ा भुल्लां तों उपर है, पर साडे विहार ते साडियां मनौतां कई बार गल गलत साबित कर दिंदियां ने भी बंदा जो रब बारे जबान तों कहिंदा उहनूं अपने किरदार च सही मनदा नहीं है, इह भी मनदा भी वह गलती भी करदा है, वह भुल भी करदा है। इस करके जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी नूं पढ़दे हां उस विच सत वार भी आउंदे ने, सत्तां वारां दे प्रथाए उपदेश आदत करै भगत आरंभ कायम मंदर मनसा थंभ सोमवार सस अमृत चरै मंगलवारे ले माहीत बुधवार बुध करै प्रगाश वीरवार वीर भरम भुलाए त्यादक। उहदे च थित्तां भी आउंदियां ने, गौड़ी राग विच थित्ती दी बाणी है, कबीर साहब जी ने थित्तां दे प्रथाए उपदेश दित्ता है। ਉਹ ਥਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਿੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ। ਬਾਣੀ ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪਈ ਏ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਏ, 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਬੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਦੀ ਤੇ ਵਧੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿੱਤ ਛੇਵੀਂ ਥਿੱਤ ਸੱਤਵੀਂ ਥਿੱਤ ਅੱਠਵੀਂ ਥਿੱਤ, ਇਵੇਂ ਇਹ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਏ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਬੰਦ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਘਰ 4 ਘਰ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਘਰ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿਚ ਹੈਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਰਾਮ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਨੇ,
एक है मानसिक तौर पर करना, एक है शरीरक तौर पर करना। शरीरक तौर पर बंदा कोई कर्म उदो करता है जदों हालात साथ देंदे होण, मानसिक तौर पर जदों मर्जी कर सकता है, क्योंकि अंदर की गल बाहर किसी ने जाननी नहीं, वेखनी नहीं, किसी ने दिखाई नहीं देंदा भी मेरे मन अंदर की है। पर जिन्ना चिर मैं शरीर दे राही कोई विहार नहीं करता, उन्ना चिर मेरे ते कोई इल्जाम नहीं ला सकता भी तू गलती कीती है। जिन्ना चिर मैं बोलता नहीं, जिन्ना चिर मैं शरीर राही कोई काम नहीं करता, दुनिया नूं पता नहीं लगेगा। पर मानसिक तौर पर जो मैं मर्जी करता रहा, जो मर्जी सोचा, जिहो जिहे मर्जी ख्याल मेरे मन अंदर आउण, उन्हां बारे किसी नूं कोई पता नहीं लग सकता। इस करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आखदे ने, जेड़े कर्म असी करदे आ मानसिक तौर पर भी ते शरीरक तौर पर, गुरबाणी दोवां दी गल करदी है। सतगुरु कहिंदे किरत कर्म के विछुड़े, असी सच नालों अकाल पुरख वाहिगुरु नालों क्यों विछड़े आ, साडा उहदे नालों संबंध क्यों टुटिया, साडे ते उहदे विचकार विथ दूरी क्यों है। सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब कहिंदे क्योंकि असी अपने कीते हुए कर्मां करके उहदे तों दूर हां। धन गुरु नानक महाराज का पावन श्लोक तुसीं पढ़दे हो जिस विच सतगुरु कहिंदे चंगे आईयां बुरे आईयां वाचै धर्म हदूर। हदूर दा अर्थ है नेड़े। बंदा सोचदा है मैनू कौन वेखदा है, मेरा कोई की कर लवेगा, मैनू की नुकसान है, जदों कोई नहीं वेखदा ते मेरा की नुकसान हो चलिया। वेखण वाला ते इल्जाम ही ला सकदा, रौला ही पा सकदा, वध तों वध कोई संसारक नुकसान कर सकदा है। पर गुरु साहब कहिंदे ने एक सब तों नेड़े दी चीज है जिहड़ी तैनू वेख रही है। वाचै दा अर्थ है तैनू परख रही है, निरख रही है, वेख रही है, हर एक चीज नू विचार रही है। वह की है? वाचै धर्म हदूर। धर्म दा अर्थ है रब दा कानून, रब दे नियम, कुदरती लॉ जिहड़ा वह तैनू वेख रहा है, जिन्हू लॉ ऑफ नेचर कहिंदे ने, जिन्हू गुरबाणी च हुक्म कह, जिन्हू भाणा कह, जिन्हू रजा कह। सतगुरु कहिंदे तेरियां चंगियाईयां ते तेरियां बुरियाईयां। वाचै धर्म कुदरत दे नियमां तों बाहर नहीं हन, कुदरत दे नियमां तों। ताईं हजूर ने कहना जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना, जो तू कीता वह तू पाउंदा। किसे होर नूं दोष ना दे कि उहने करवाया जी, उहने कीता ते तू है ना, करवाउण दा की अर्थ है। की तू बुद्धिहीन है कि तेरे कोलों दूसरा जिवें मर्जी करवा जांदा। अक्सर मेरे कोलों दूजे ने करवाया ये शब्द बंदा उत्थे वरतदा जिथे गलती करे, जिथे चंगियाई करे उत्थे कदे नहीं वरतदा। तुसां वेखना जदों बंदा चंगा काम करदा आखदा मैं बड़ी मेहनत नाल कीता, लोक ते करनी नहीं सन दिंदे, मैं बड़ा जोर लाया, बड़ी मेहनत कीती, बड़ी हिम्मत करनी पई मैनू, बड़ा स्ट्रगल करना पिया तां जाके मैं काम कर सकिया। उहदा क्रेडिट लैंदा, उहदा फायदा आप लैंदा भी मैं कीता। जदों हो जाए बुरा फिर बंदा एक इंसान लभदा, कोई धिर लभदा भी मैं इल्जाम किहदे ते लावां भी किहदे किहदी वजह नाल होया। फिर आखेगा जी मैं तां करना ही नहीं सां चाहुंदा, इह तां दूजिआं ने मेरे कोलों करवा लिया धक्के नाल जबरदस्ती। फिर उहनां नूं गालां कढदा, उहनां नूं दोष दिंदा भी इहनां ने करवाया। गुरु साहिब कहिंदे ने क्या खूब चतुराई है, चंगियाई करदा ते तूं करदा, बुरियाई हुंदी है ते कोई करवा जांदा। सतगुरु महाराज कहिंदे ने दोष ना दीजे अवर जना, होरनां नूं क्यों कहिंदा, कीता ते तूं है ना, होया ते तेरे राही है ना। की तेरा अपने आप उत्ते कंट्रोल नहीं सी, की तू बुद्धिहीन है मतहीन है भी तेरे अंदर दी सोच ते विचार खुर गई, कोई ते वजह बनी होएगी। दातार सतगुरु सचे पातशाह जी आखदे ने किरत कर्म के विछुड़े, असी कीते हुए अपने कर्मां दे मुताबक उस सच अकाल पुरख परमात्मा नालों विछड़े, टुट गए, दूर हो गए। ते धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने साडियां चंगियाईयां नूं साडियां बुरियाईयां नूं निरख रिहा परख रिहा, साडे बहुत ही नेड़े, दूर नहीं है, हदूर है। कौन? धर्म, कुदरत दी रजा, कुदरत दा हुक्म साडे ते लागू, असीं कुदरत तों बाहर नहीं हां। इस करके महाराज कहिंदे ने करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, अपनी अपनी करनी करतूत दे राही करतब दे राही कोई उहदे नेड़े हो जांदा, चंगियाई वाला उहदे नेड़े ते बुरियाई वाला उह तों दूर है। इवें सतगुरु कहिंदे ने इस वियोग भी हो रहा है ते संयोग भी हो रहा है, मिलाप दा राह भी इहो ही है ते विछोड़े दा मार्ग भी इहो ही है। शेख फरीद साहब कहिंदे ने आप सवार है मैं मिले, उन्होंने कोई दूजी गल ही नहीं कही, उन्होंने कोई कर्म कांड का राह नहीं दसिया, कोई उन्होंने रस्मां रीतां की गल नहीं की,
कोई उन्होंने संसार धरती भ्रमण की गल नहीं की, कोई शरीर नूं खपाउण की गल, वो कहिंदे ने आपे नूं सवार, तेरे आपे नूं सवारण विच ही मेरे मिलाप की गल है, आप सवार है, मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा हो रहा है सब जग तेरा, तू मेरा होके जिएगा, मेरा होके जीण दा मतलब ये है अपने अंदर दे मंदे ख्याल त्याग दे, माड़ा व्यार छड़ दे, मंदा किरदार रब वाला होके जी। किसी महकमे विच बंदा ड्यूटी करदा है ना, भावे पुलिस विच होवे भावे आर्मी विच होवे, किसी भी ऐसी जगह दे उते कोई ऐसी जॉब, वो सानू एक यूनिफॉर्म सानू वर्दी दिंदे ने भी ये वर्दी है। ते आम तौर उते बंदा गलती करे ते उना बलेम नहीं आउंदा, जदों बंदा किसी कंपनी दी जां सरकार दी वर्दी पा के जदों गलती करदा है तो उहदी पुछ प्रतीत ज्यादा होंदी भी एक जिम्मेवार बंदा हो के इस आदमी ने यह हरकत कीती, ए बड़ी ही शर्म दी गल है, उहदा बलेम ज्यादा है। सिविल विच होवे तां उहदी गलती मन्नी जांदी है, जदों वो सिविल विच ना होवे तां फिर गलती उहदे नाल नाल उहदी कंपनी उहदी सरकार उहदे महकमे की गलती भी मन्नी जांदी है भी इसने यह गलती कीती। इस करके देखो ये ते पुलिस वाले ने गलती कीती, ये फौज वाले ने गलती, ये डॉक्टर ने गलती कीती, क्योंकि वो बतौर वर्दी वेचे बतौर पेशे वेचे। इस करके बंदा संभल के चलदा है, जदों उहदे तन उत्ते वेस होवे, जदों उहदे नाम नाल इक कंपनी सरकार दा नाम जुड़िया होवे, उहदे किते दा नाम जुड़िया होवे, फिर उहदी जिम्मेवारी होर सिविल नालों भी वड्डी हो जांदी है भी मैं संभल के तुरां, नहीं तो मैं बहुत छेती लोगों की नजर विच आ रहा और पकड़िया जा सकना। उन्हूं जिम्मेवारी निभानी पैंदी है, अपना माड़ा सुभाव छड़ के चंगा व्यार करना पैंदा, चंगी डील करनी पैंदी है, यही फर्क है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच जदों असीं इह शब्द पढ़दे हां ना भी हर जियो नाम परियो रामदास, गुरु महाराज कहिंदे अकाल पुरख जी मेरी इज्जत रखना, मेरे बारे लोग ये कहिंदे ने भी मैं रब दा बंदा मैं रब नूं मन्नण वाला, हुण तुसी कृपा करो मेरे कोलों कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए भी लोग कहण वेखो रब दा बंदा की करदा फिरदा, वेखो धर्म नूं मन्नण वाले दी की हालत है, वेखो ये ते रब रब करदा सी इहदे जीवन च वेखो की कमियां ने, वेखना महाराज सच्चे पातशाह मेरी इज्जत पात बचा लैणी, मैं सुचेत संभल के तुरां। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच पता है धार्मिक पहरावा पहन के अडंबर करन वालियां नूं किन्ने करड़े हथी लिया गया। इस करके पियो अपनियां निजी गलतियां दे नाल धर्म दी पवित्र दुनिया नूं पलीत करदे ने, लोकां दे विच शक पैदा करदे ने, लोकां दे मन अंदर ढेंदी कला पैदा करदे ने, उहनां वल वेख के धार्मिक चरित्र बारे कई किस्म दे शक ते शंके अनजान मना च खड़े हो जांदे ने। इस करके हजूर ने यह शब्द वरत्या सी, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। ये तिने उजाड़े का बंद ने, धर्म का नुकसान कौन करदा है, ये तीन बंदे, भाव के धार्मिक मुखी धर्म नूं मन्नण दा दावा करन वाला धर्म का सब तो वध नुकसान करता है, जदों ओ धर्म नूं ना मन के अपनियां गलतियां नूं उसे रूप विच ही दोहराई जांदा, धार्मिक होण दी कोशिश नहीं करता, यही धर्म का सब तो वध उजाड़ा करदे ने। किड्डी वड्डी गल गुरु साहब जी ने बाणी दे विच आखी है। सो सतगुरु महाराज आखदे ने जिम्मेवारी बन गई रब वाले दी, आप सवारे मैं मिले मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, मेरे होण दा अर्थ है भी तेरे उत्ते एक जिम्मेवारी आ गई भी तू मेरे असूल दा पालन करेगा, तू मेरी रजा विच राजी रहेगा, मेरे गुण ही तेरे जीवन दी पूंजी होणगे, गुण निदान भगतन कौ बरतन, बरतन दा अर्थ वरतों दी चीज, हे गुणा दे खजाने तेरे गुण तेरे प्यारियां दे वरतन दी चीज ने, और तेरे गुण कले जबान तो ही वाह वाह नहीं कह छड़दे, उहनू वरतदे ने यूज करदे ने अपने जीवन च हंडाउंदे ने, वो कली सिदक की गल ही नहीं करते सिदक नूं जीवन विच जिउंदे ने, वो सबर की गल ही नहीं करते सबर वाला सुभा भी बनाउंदे ने, वो दया दियां कहानियां सुनदे ते सुनाउंदे नहीं, वो दया अपने सुभा च भी लैके आउंदे ने, तेरे गुणा नूं अपने जीवन विच हंडाउंदे ने जिउंदे ने, उन्हां वल वेख के लोग आखदे ने भेद ना जाणो मूड साईं जे किहा, इह रब वर्गा ही है, इह रब वर्गा है, इहदे च कोई फर्क नहीं रहा, इहदे च कोई भेद नहीं, जेड़े गुण रब विच सुनी दे ने ना
ਉਹ ਗੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੌੜ ਪਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੌੜੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਲਕਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਏ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਅੱਧੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਗ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਆਖਦੀ ਏ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਜੇ ਆਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਪਰਲੋਕ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਆਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਦਾ ਆਚਰਣ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਚਸਕੇ ਭੋਗਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।
जे तू मेरी दिती होई इस दात की कोई कदर नहीं जाने तेरे ते भरोसा किवें करा भी तू होर जे तेनू कुछ दे दया तो तू ओनू संभालेगा। कदे नहीं हुंदा इस तरह। बेविश्वासी पैदा कर ली, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। अपना भरोसा मनुख ने अपने विहार राही आप तो बाणी ताइए समझाउंदी है ना बार बार, इस कीमती जन्म की संभाल कर, इस कीमती जन्म नू अजाई ना गवा, इहदा भाव समझण की जरूरत है। गुरु साहब कहिंदे ने कदर कर इस चीज की, तू इनू सही ढंग नाल वेख नहीं रहा, जी नहीं रहा, इहदी कदर करनी सिख। कदर का मतलब ही यह है, कदर का मतलब यह नहीं भी इहदी पूजा करनी शुरू कर देनी है। कदर का मतलब है इस नू रब दे गुणा नाल चंगे आचरण दे राही जीना सिख, हंडाउना सिख इस जीवन नू। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शिश करदे आ कहिंदे ने यह है आप सवार मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए। तुखारी राग दे बारह माह दे पहले बंद अंदर एहो जिही शब्द गुरु नानक साहब ने वरते ने, कहिंदे तू सुन किरत करमा पुरब कमाया। कहिंदे ने हे वाहिगुरु मेरी दशा सुन, भी जेड़े मैं पुरब पहले कीते कर्म ने ना मेरे कीते हुए कर्म ने मेरे, तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा दे सो तू भला। कहिंदे ने मेरे कीते कर्मा मुताबक जेड़े मैनू सुख मिल रहे ने, जेड़े मैनू दुख मिल रहे ने, जदों मैं तेरी रजा वल वेखदा ना तां तू रंचक भार भी अपने इंसाफ दा तराजू इधर उधर नहीं होण दिता, ते मैं शुकर विच सिर नवा के आखदा भला है तेरा नियम, जो मैं कीता वह मैं पाया। सिर सिर सुख सहमा, सुख दा अर्थ है आनंद, सुख सहमा दा अर्थ है सहम, दुख डर। अपने कीते कर्म दे मुताबक जे मैनू सुख मिले वह भी कर्म दे मुताबक, दुख मिले वह भी कर्म दे मुताबक, ते जदों मैं तेरे इंसाफ दा तराजू वेखदा तां मेरा सिर झुकदिआं तेनू शिकवा करन नू जी नहीं करदा, मैं आखना दे सो तू भला। तू सुख दिने तां वी भलाईए, दुख दिने तां वी भलाईए, क्योंकि हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू ते इंसाफ ही कीता है अपने वल्लों, तू तां पूरा पूरा न्या कीता है, तेरे न्या दे उते इल्जाम नहीं लाया जा सकदा भी तू भेदभाव कर रखिआ, नहीं तू ते निर्वैर है, तेनू वैर ही किसे नाल नहीं, तू भला मेरे नाल भेदभाव क्यों करेगा। बहुत आर्गूमेंट हो सकते ने ऐसिया गल्लां उते, रब ने फिर ए क्यों किया ए क्यों किया, बंदे की बुद्ध है ना, तो जिन्ना कुछ सोच सकती उन्ना कुछ सोचती है। लोग अक्सर गुरबाणी बारे भी ऐसे ख्याल प्रगट करते ने, वेखो जी बाणी च एवें क्यों लिखिया, कर्मा की गल एवें क्यों लिखी, पूर्वले कर्म की गल एवें क्यों लिखी, रब नूं एवें क्यों। गुरु महाराज तो कहिंदे ने भलिया मानसा मैं कोई रब का एजेंट ते नहीं हाँ, पर एक गल तेनू मैं सिखा रहा भी तू जीना किवें, मैं तो तेनू जीवन की गल सिखा रहा भी तू राजी किवें रह सकदा, खुश किवें रह सकदा, क्यों एवें कुदरत नूं विशाल कुदरत नूं अपने निके जे भांडे च भरन की कोशिश कर, समुद्र भी कुजियां च बंद होए ने। तेनू ते जुगत दस रहा, गुरबाणी जुगत है, फोकट चीजा उते सिर खपाई बंदा करदा रहिंदा है, बहुतियां दा जोर लग्या हुंदा है ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਇਸੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਚ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀ ਹੋ, ਚੇਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। तो यह कोई मायने नहीं रखदियां गल्लां, गुरबाणी जिहड़ी है सानू जीवन जीउण दा ढंग दसदी है। हुण गुरु साहब यह दसदे भी अगर वस्तु तेरे कोल है तां तू उहनूं हंडा शुकर विच, हौमै ना कर हंकार विच ना, जे नहीं है तेरे कोलों गवाच गई है ते भाणे विच राजी रह, अपने हिरदे दा प्याला उछल ना दे, सबर विच जीना सिख, जिंदगी इहो ही है। दोवें पाखी महाराज ने समझाए, सुख दा भी ते दुख दा भी, किसी चीज के मिल जाने का भी, किसी चीज के गवाच जाने का भी, जीना किवें, दोवां हालतां विच मनुख ने जिंदगी किहो जिही जीणी है, यह है गुरमत का कंसैप्ट, यह है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जो जीवन जाच। रब एक साडे सनमुख वो सुप्रीम ताकत है जिहदे गुणा दे विच असीं प्रवृत्त होना है, कुछ गल्लां ने जिन्हां तों असीं चाह के भी अपनी जिंदगी का खहड़ा नहीं छुड़ा सकते ना चाहुंदे होइआं। तो खैर जो मैं बेनती कर रहा, दातार मुबारक बाणी दे विच आखदे ने,
सिर सिर सुख सहमा दे सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना जीवा। मैं तेरी इस रचना नू वेखदा तेरे गुणा वाल ध्यान जांदा है ते मैं अपने आप नू वेखदा भी मैं ता तेरे पदार्थां च इन्ना गवाच गया भी तेरे गुण मेरे मन चो विसर गया तेरा ख्याल ही भुल गया दातिया। इस करके जदों मैं अपने वाल वेखदा ते मैनू चिंता हुंदी है क्या गत मेरी मेरी की हालत बनी पई है मैं किथे खलोता हर बिन घड़ी ना जीवा। फिर मन अंदर ख्याल आंदा तेरी तो बिना सही जीवन नहीं है बंदे दे कोल पदार्थ बहुत होण बहुत सारा कुछ होवे ये वक्री गल है पर जे तेरी याद तेरे गुण बंदे दे पले नहीं तां उहनूं जीवन दा सही स्वाद ही नहीं आ सकदा। इस करके आखदे ने हर बाज दुहेली कोई ना बेली। दुहेली दा अर्थ दुखी जीवन है कोई मित्र नहीं जीवन नूं सहारा देण वाला कोई मित्र नहीं जिंदगी दा चज अचार सिखाउण वाला कोई मित्र नहीं। आखदे ने गुरमुख अमृत पीवा इको ही वेली है जे गुरु दे राही मैं अकाल पुरख दे गुणा दा अमृत स्वाद चख लवां रचना राच रहे निरंकारी। सतगुरु आखदे ने हे अकाल पुरख हे निराकार परमात्मा तेरी रचना विच ही असी खचत होए पए आ तेरी ते याद ही नहीं आउंदी तेरा ते चेता ही मनो भुल गया ये मेरे कर्म ने यह गत है जिदा करके मैं तेरे नालों विछड़िया। शब्द आया ना किरत कर्म के विछड़े केड़े कर्म करके विछड़े कहिंदे रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन कर्म सो करमा। हे मेरे मन उस अकाल पुरख की याद अपने दिल विच उहदे गुण अपने जीवन विच लैके आ ये सब तो श्रेष्ठ कम है ये सब तो आला कर्म है जिहड़ा तेरे करन वाला है। रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन कर्म सो करमा। तुहानू गुरु अर्जन साहिब महाराज जी बख्शिश करदे ने बेनती कर रहे विछोड़े नू महसूस करके कर किरपा मिल हो राम। शेख फरीद साहब ने आख्या विछड़ गए हैं जरूर अपने कर्म करके पर जे विछोड़े दा एहसास पैदा हो जाए ना जीवन अंदर ते मिलाप दा समा शुरू हो जाता है। जे विछोड़े दा एहसास ना हो बंदा मिल नहीं सकता। उन्होंने शब्द वरते है उन्होंने बिरहे नू विछोड़े दे एहसास नू बड़ा उच्चा रुतबा दे दिता है। कहिंदे बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान तू ते श्रोमणी है बिरहे जे तेरा एहसास ना मेरे अंदर पैदा हुंदा मिलाप दा स्वाद ही नहीं सी आउंदा। कुदरत दा एक नियम है चीज बहुती होवे ना घर अंदर बंदा उहदी कदर नहीं करदा जिस दिन होवे ना उस दिन बड़ी तोट महसूस हुंदी है। बंदा रज्या होया होवे ते छत्ती प्रकार दे पकवान रख दो बेस्वादे ने ते भुखा होवे ते सुकी रोटी दे दो उहदा स्वाद बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि स्वाद पकवान विच नहीं हुंदा भुख विच हुंदा। पकवान विच स्वाद नहीं हुंदा भुख विच हुंदा। नींद दा रस जिहड़ा है ना उह नींदरे विच हुंदा सेज उत्ते नहीं हुंदा। हो सकदा बहुत कीमती सेज ते सुता होया बंदा सारी रात उसलवटे लै के बेचैनी च गुजारे पर तुसी किसे कीर्ती बंदे नूं जमीन ते सुत्यां वेखो पता ही कख नहीं दुनिया किथे। हुण उह जिहड़ा रस है ना नींद दा हो सकदा बहुतियां सहूलतां मानण वाला वेलड़ वह आनंद ना ले सके। तो नींद सेज विच नहीं है बिस्तरे विच नहीं उनींदरे विच है थकावट विच है। ये जिंदगी दा एक रंग है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी मुबारक बाणी विच आखदे ने विछोड़े दा सल मैनू महसूस होया इस करके मैं मिलाप लई तांगदा हां ते बेनती कर रहा ये बेनती मेरे विछोड़े वाली अवस्था चो निकली है कर किरपा मिल हो राम। असी वैसे अरदास विच ये शब्द वरतदे हां सिखां नूं सिखी दान कीस दान रहत दान विवेक दान विसा दान ये तो एक रिपीट है बार बार रिपीट होंदी रहिंदी है गल जिन्नी बार अरदास होएगी होएगी। कहण वाला मैं भी कह जावांगा सुनण वालियां ने भी अण सुनी जी कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी गल आई गई हो गई। शायद मैनू कई बार प्रतीत हुंदा भी ज्यादा रिपीट हो गई गल वो भी मन ते असर घटा दिंदी है असर नहीं करदी। हुण तुसीं गौर करना भी मंग रहे असीं सोचा भी गुरु नूं तां कह दिता उही नहीं दिंदा सिखी ते की करिए। बहुते लोकां दी इहो ही मनोदशा है उहनां नूं पुछी लिया कहिंदे अरदास ते कीती है महाराज दे अगे भी सिखी दी दात बख्शो भरोसा बख्शो जे नहीं भरोसा बणिया गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते ते की करिए महाराज ने भरोसे दी दात ही नहीं बख्शी। नहीं अरदास नहीं कीती तूं भार लाया है अपना भी महाराज तेरे जिम्मे है मेरे मन का भरोसा कायम करना भी तेरे जिम्मे मेरी ड्यूटी कोई नहीं बनती आपां तां वेले हां।
ना मैनू सिखी की चिंता है, ना भरोसे की चिंता है, कोई चिंता नहीं मैनू, मैं कख नहीं करना, यह सब तेरी ड्यूटी है। कमाल है। फिर तू की करना है? कला आर्गूमेंट करना है अरदास के रूप च, महाराज आ भी कर दई, आ भी कर दई, आ भी कर दई? नहीं, अरदास का यह मायना है अपने आप न दृढ़ करना। तू तो हिम्मत मांग रहे, उद्यम मांग रहे, भरोसा तो तू ही करना है। सिखी तो तू ही कमानी, गुरु तो सिखी दे ही सकता, दस ही सकता, गुरु ने तो राह दसिया, तुरना तो तू है ना भलिया मानसा, कि हूं गुरु तैनू चुक के सफर करे। उल्टी गल है साड़ी, असी अरदास का मायना यह समझ लिया गुरु की ड्यूटी ला देना कि आ काम तेरे करने वाले ने। नहीं, अरदास का मायना है हिम्मत मंगनी, अपने मन नू सुचेत रखना कि ये चीजा तेरे जीवन च होनिया लाजमी ने ते जरूरी ने। अपने अंदर स्वय विश्वास, जिन्हों असी सैल्फ कॉन्फिडेंस कहने, स्वय विश्वास, आत्म विश्वास पैदा करने वास्ते अरदास होंदी है। नहीं तो बैठे रहो खां कि रब्बा रोटियां घल दे, कित्थों घल दे, मिलती है, हिम्मत भी तो करनी बनती है ना। तो अरदास है स्वय विश्वास का ना, अरदास है अपने अंदर की डिगदी अवस्था नूं उपर उठाउण दा ना। पर असी तो इवें करदे आं भी अरदास कर दित्ती, जिम्मेवारी ला दित्ती, हुण करे ना करे सानू की मतलब इहदे नाल। तो इह हालत है साडी। गुरु महाराज कहिंदे ने अरदास जिहड़ी चीज की तू लोड़ महसूस करदा उह कहिंदा, उस दिन सही मायनिया च तैनू अरदास दा अर्थ समझ विच आएगा, जिस दिन उहदे नालों विछड़े होण दी अवस्था तैनू दुखी प्रतीत होवेगी, तू उहनू बोझ समझेगा, ते मिलाप वास्ते बेमुहारे ही तेरे अंदरों ये अल्फाज निकलणगे, कर किरपा मिल हो राम, हे सर्व व्यापक वाहिगुरु रहमत करो, किरपा करो, मैनू अपने नाल जोड़ लवो। आखदे ने चार कुंट दह दिश भ्रमे, बेनती रूप विच है ये सारा पदा। धन गुरु अर्जन साहब कहिंदे ने चारे कुंटा विच दसां दिशावां विच, विद्वाना ने दस दिशा लिखिया ने, पूर्व पछम उत्तर दखण, चार उन्हां दे कुंट उपर ते हेठां, चार कुंट ते दस दिशा। इहदा सीधा भाव जिहड़ा भाव अर्थ इहदा निकलदा है वी मैं सारे पासे फिर के वेखे ने, मैं हर पासे खोज कर ली। चार कुंट दह दिश भ्रमे, भ्रमे का अर्थ मैं भटकिया, वेखिया हर जगह भी कित सुकून मिल सकदा, तेरे तो विछड़िया ते गुजारा हो सकदा। महाराज कहिंदे ने थक हार के, हार मन के आए प्रभ की साम, असी अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणा विच आए हां, उहदी शरण, शरण दा अर्थ हुंदा है पनाह विच आउणा। असी किसे वड्डे की सहायता उदों मांगदे हां जदों किते वड्डी मुसीबत असी वेखी, असी आखदे फलाने कोल जाओ, उही मदद कर सकदा। शाम दा अर्थ है पनाह। शेख फरीद साहब आखदे तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह विच तां आ क्योंकि तू बख्शिश करदा, धक्का नहीं देंदा। इस करके मैं जदों भी लोड़ अनुभव करदा तां तेरी पनाह, तेरी शरण विच ही आउंदा, होर किते नहीं जांदा मैं। अगे कुछ उदाहरणा ने, कहिंदे तेन, तेन कहिंदे ने गऊ नूं, तेन दुध है ते बाहरी किते ना आवे, तां पशु रखे ने घर दे अंदर, जे ते गां दुध दिंदी है तां उहदी चंगी सेवा करदा है बंदा आम रूप विच, क्योंकि मनुख दे अंदर भी ते स्वार्थ है ना, उहनूं बहुत चंगी खुराक देगा, उहदा ध्यान रखेगा। पर जदों उह दुध ना दिंदी होवे फिर उहदी संभाल करन दा तरीका बदल जांदा है, फिर बस उहनूं जिउंदिआं रखण तक दी गल हुंदी है, वी चलो खांदी रहे ते जिउंदी रहे बस, फिर कोई बहुता मायना नहीं हुंदा वी इहदी सेहत डिग रही है, इहनूं खुराक चाहीदी है, इहनूं बहुत कुछ चाहीदा, नहीं फिर उहदा कोई ध्यान नहीं रख्या जांदा। गुरु महाराज कहिंदे जिवें आम हालतां विच स्वार्थवश मनुख पशु नूं जदों पालदा है तां उहदे कोलों दुध दी आस करदा, तेन दुध है ते बाहरी, जदों दुध ना दिंदी होवे किते ना आवे काम, बंदा आखदा किसे काम दा पशु नहीं है, बस एवें खर्चे दा घर है, मेहनत वाधू दी है। अगे पंक्ति वर्ती कहिंदे जल बिन शाख कुमलावती, जिवें पाणी तो बिना खेती सुक जांदी है, कुमलावती दा अर्थ सुक जांदी, खेती नूं पाणी ना मिले ते सुक जांदी है, उपजै ना ही दान। किसान जदों बीज पाउंदा है ना जमीन विच ते उदों आस करदा है जिहड़ा भी आए कि मैनूं इन्नी मदद की लोड़ है, तूं मेरे कोलों इन्ने पैसे लए ने, सारयां नूं इक्को ही गल कहिंदा है चार महीने रुक जाओ, फसल आएगी, सारे उधार चुका देंगे, मेरे कोलों भी वाधू लै जाना जिन्नी तुहानूं जरूरत होई। कमाल है। गुरु नानक महाराज कहिंदे बंदिया किन्ना कॉन्फिडेंस है, किन्ना भरोसा है, अजे बीज पाया है, अजे चार पांच महीने लगने ने, पर सारे नूं इक्को ही गल कह रहे किसान,
रुक जाओ चार महीने, सब लेना देना साफ हो जाएगा। लोग मिथदे ने धी का विआह भी उदों करांगे, पुत्र का विआह भी उदों, फसल आ जाएगी। कमाल है, अजे ते बीज पाया खोरे, कुदरत दी की मर्जी होवे, झखड़ आउण, हनेरियां आउण, की नुकसान होना है, की फायदा होना है, अजे तां सब कुछ भविख दे उते टिकया है ना। पर जे भरोसा ही ना होवे तां किसान तो तां मर जाए, वो जीवे किवें? भरोसे दे आसरे ते बंदा जी रहा है, विश्वास दे आसरे ते जी रहा है। असी जदों अपने पुरातन बुजुर्गां दे जीवन पढ़दे हां ना, बड़ी विपदा उन्हां दे जीवन उते आके पई, उन्हां दे सिरां दे मोल रखे गए, फाए टंगे जांदे ने, कट्टे वड्डे जांदे ने, कतल हुंदे ने, पर उन्हां दे दिल दे अंदर दा विश्वास जिहड़ा सी ना, उहने जे उह टुट जांदा ते मर जांदे हो, फिर किसे हथियार दी लोड़ नहीं पैंदी मारन नूं, फिर कोई चरखड़ी गड्ढण दी लोड़ नहीं सी, कोई बंद बंद कट्टण दी, फिर बंदा मर जांदा है जे विश्वास मर जाए। बस जिउंदे ने उह, उन्हां नूं आरे भी वढ ना सके, चरखड़ियां उन्हां नूं पींझ ना सकियां, बंद बंद कटदिया होया भी उन्हों का सिदक सलामत रहा, क्योंकि विश्वास है अपने गुरु के उत्ते। अज वेखो सुख माणदे आ, सहूलतां ने, चंगी जिंदगी कुदरत दी दित्ती होई, पर एक जे नहीं इन्हां पल्ले ते गुरु का विश्वास ही नहीं, इवें भटकदे फिरदे आ जिवें दुनिया भर दे कंगाल होईए ते दुखी होईए। कमाल है ना, दातार जी बाणी विच आखदे ने, जल तों बिना शाक खेती सुक गई, उपजै ना ही दाम, दसो ना अनाज आया ते ना अनाज विकया, ते जे विकया ही नहीं ते दाम दौलत खुशहाली कित्थों आएगी, नहीं आ सकती। ये दो उदाहरण दित्तियां ने, इन्हां दो उदाहरण दा अगे निचोड़ कढ के आखदे ने, हर नाह ना मिलिया साजनै कत पाईए विश्राम। संप्रदायी टीके ने इहदे अर्थ कीते, हर नाह न मिलिया साजनै, इह सज्जन नहीं मिलदा, इहदा अर्थ है हर नाह ना मिलिए, ना है खसम वाहिगुरु वास्ते, खसम मालक, ते साजन शब्द दा मालक शब्द नाल बड़ी नेड़ता है। कई लोकां दे मालक हुंदे ने पर उन्हां नाल विहार सज्जना मित्रां वाला नहीं हुंदा, मालक मालक हुंदा है ते नौकर नौकर हुंदा है, पर उत्थे ज्यादा ड्यूटी करनी होर भी चंगी लगती है। जिथे साडा मालक साडा बॉस साडे नाल मित्रां वाला विहार भी करे, उत्थे मन ज्यादा लगता है, ईमानदारी नाल बंदा काम करदा, एक भरोसा एक विश्वास बनदा है। दो शब्द गुरु ने वरते, नाहन शब्द उन्ना ढुकवा नहीं जिन्ना नाह ना शब्द ढुकवा है। गुरु महाराज कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु, खसम जो है मेरा सज्जन भी है, मेरा मित्र भी, उहदे नाल मेरी सांझ जिहड़ी है ना, उह नौकर ते मालक वाली नहीं है, मेरा मालक हो पर मेरे नाल विहार उहदा मित्रां वाला है। हर नाह ना मिली है साजन है, जो सज्जना वाला सुभा रखण वाला खसम वाहिगुरु ना मिले, कत पाईए विश्राम, किवें मन नूं टिका मिले, शांति मिले, सहज मिले, किवें जीवन दे विच खेड़ा आवे, आनंद आवे, भाव नहीं आ सकदा। हुण इस प्रतीक दे अर्थ समझाउंदे ने विद्वान, कहिंदे ने जिवें गऊ दुध तों बिना एक बोझ बन जांदी है पालण वाले वास्ते, ओ मत बोझ है जिहदे चों कोई चंगा ख्याल नहीं उपजदा। जिवें खेती पाणी तों बिना सुक जांदी है ते खुशहाली नहीं आउंदी, घर दे अंदर गरीबी ते भुखमरी आके डेरे पा लैंदी है, ठीक इसे ढंग दे नाल आखदे ने जे साडे अंदर दे जिहड़े गुण ने उहनां नूं चंगी संगत दा पाणी ना मिले बाहरों, चंगा माहौल ना मिले बाहरों, ओह खेती सड़ सुक जांदी है, जीवन अंदर विकार उदासी मायूसी ते अग्ञानता ए आके डेरे पा लैंदे ने। इस करके जो असीं संगत करदे ना, अपने अंदर दे गुणां नूं जिउंदिआं रखण लई करदे हां, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੰਤ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਭੱਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਭੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਪਾਏ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਣ ਸੁੱਤੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠ ਤਪਦਾ ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲੜਾਏ। ਫਿਰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋੜ ਰਸ ਸਣ ਦੇਈ ਸਭ ਖਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਭੋਗ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਵੇ ਅਰਥ ਨੇ
किसे लेखे विच नहीं हन। शरीर समेत ये सारे जीवन दे समेत वो शिंगार भी साडा विहार भी साडे चस्के भी विकार भी सब चीजा उस खसम वाहिगुरु तो बिना बेअर्थ ने। बस एक सजा पूरी करने वाली गल है। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सजन सब जाम। उस प्रभु तो स्वामी मालक तो विहूणे वांझे होके जेड़े साडे मित्र ने ना ये ज्ञान इंद्रे सज्जन ने साडे साथ देने वाले जिन्हों शेख फरीद साहब कहिंदे ने चबण चलण रतन।